नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo T3X versus Samsung Galaxy M14 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो T3X में 6.52 इंच जबकि M14 4G में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो T3X में 2.99 इंच जबकि M14 4G में 3.06 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो T3X में 0.31 इंच जबकि M14 4G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि T3X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो T3X में 199 ग्राम जबकि M14 4G में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो T3X में LCD जबकि M14 4G में PLS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो T3X में 6.72 इंचेस जबकि M14 4G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन T3X में 1080x2408px FHD+ और M14 4G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो T3X में 86.58% जबकि M14 4G में 82.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो T3X में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और M14 4G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो T3X में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M14 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो T3X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और M14 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो T3X में Adreno 710 जबकि M14 4G में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो T3X में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 और M14 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो T3X में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि M14 4G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो T3X में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M14 4G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो T3X में Android V14 जबकि M14 4G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी T3X में 6000 mAh जबकि M14 4G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
T3X में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M14 4G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 10,930 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M14 4G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में T3X आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Realme Nazo N65 5G है, तीसरा Realme Nazo N63 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G0 4 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।